आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। और श्री राजेश जी के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। सभी अतिथि हमारे भी पहुंच चुके हैं। आज के हमारे Thank you.
Thank you.
Thank you.
सीधा खोल करके यहाँ उद्घाटन करें। स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि यहां पर मंच पर आकर के प्रभु महावीरा प्रभु महावीरा तेरा तस्वीर से तो निकलता मेरे गुरुदेवा तेरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे महावीरा प्रभु महावीरा मेरे महावीरा तेरा तस्वीर स्वागतम करते स्वागतम करते स्वागतम
कार्यकर्ता श्री अजय जैन टीनू भाई उनके अभिनंदन के लिए करें, अभिनंदन करें। हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं अजय जैन जी का और पिट्टू भाई सोमवार अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। पहुंचे हुए सभी महानुभाव का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव समिति उन सभी के प्रधान अध्यक्षों का मैं आपकी कृपया आए और मंच पर गुरु चरणों में श्री अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सुशील जैन को आने वाले प्रवचनों का धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। अरे बीच पहुंच चुके हैं और गुरु चरणों में श्री अर्पित करें। भाई सौरभ जी कृपया वो आए और मंच पे गुरुवर के चरणों में श्री फल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। रवि जैन जी इंजीनियर रेलवे रोहिणी से और उनकी मिशन हीरा विद्वान पंडित निशान जी, नितिन जी और सभी गणमान्य महानुभाव यहाँ उपस्थित माताओं बहनों और भाई, मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, वही आनंद और वही छप्पर फाड़ कर आनंद हमें आज मिल रहा है। जहाँ एक वो भगवान महावीर जयंती भगवान महावीर जन कल्याण का शुभारंभ आज यहाँ हो रहा है, हमें गुरुवर पद्म सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। बंधुओं, मेरे ख्याल से क्योंकि ये पर्व पूर्व से शुरू किया जा रहा है और सूरज जो है वो भी पूर्व से निकलता है और जो सूरज पूर्व से निकलता है उसकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं, उसी प्रकार से जो आज यहाँ ये पर्व का शुभारंभ किया जा रहा है भगवान महावीर जन कल्याण का, इसकी भी किरणें इसकी भी आवाज इसकी भी भावना सारे विश्व में फैलती है ये मान करके सारे भारतवर्ष में महावीर जयंती महावीर जन कल्याणक का सबसे पहला आयोजन जिसे कहना चाहिए शुभारंभ या अंग्रेजी में इनॉग्रेशन कहें, वो आज के दिन यहाँ इस पावन भूमि से हो रहा है जिसका नाम महावीर स्वामी पार्क है। बंधु मुझे याद आता है आज से
आज हम यहाँ इस ग्राउंड में 41वां भगवान महावीर जन्म कल्याणक मना रहे हैं। अब से 40 वर्ष पूर्व का वो समय मुझे याद आता है जब गांधीनगर कैलाश नगर यहाँ की समाज ने निश्चय किया कि हमें भी अपने यहाँ महावीर जयंती का पर्व मनाना है और बड़े विशाल रूप से मनाना है, और यह भी निश्चय कर लिया कि हमें भगवान महावीर जयंती के दिन, जन कल्याणक के दिन यहाँ विशाल शोभा यात्रा निकालनी है। ये यहाँ की समाज का निर्णय उस रोज हो गया। जैन समाज दिल्ली, जिसका उस समय मैं महामंत्री था, और ये जो विशाल शोभा यात्रा दिल्ली में निकलती है उसमें जमुना पार समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होता था, बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। जब यह सूचना हमें मिली कि ऐसा निर्णय वहाँ कर लिया है तो सच मानिए कि हमारे चेहरे पर उदासी छा गई कि जिसको हम इतना आकर्षक जलूसर शोभा यात्रा कहते हैं उसका क्या होगा। मुझे याद आती है काशीराम जी यहाँ होते थे, मानचंद जी होते थे, मदन लाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम वहाँ से आए चार पांच लोग इकट्ठे होके, हमने कहा भाई साहब ये क्या था, बोले साहब समाज का निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा आप एक काम तो कर सकते हैं कि आप एक बार समाज को इकट्ठा कर लें और हम आके उनसे प्रार्थना कर लें कि भाई ऐसा उस विशाल शोभा यात्रा की सारी शोभा खत्म हो जाएगी, कुछ इस पर विचार करें। बोले भाई साहब आप ये तो कर लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अगर समय बताइए, बोले कल शाम को आप 7 बजे आ जाएंगे और यहाँ पर हम 5-7-10 लोगों को, मैंने कहा 5-7-10 लोगों को आप बुला लीजिएगा, हम 5-7-10 लोगों को बुला देंगे, उनसे आप विचार विमर्श करें। हमने कहा बिल्कुल, यहाँ की भावना की आपको बात बताता हूँ कि अगले रोज जब हम 4-5 महानुभाव यहाँ पर पधारे तो यहाँ जो हॉल था उसमें कम से कम 500 समाज के व्यक्ति उपस्थित थे। उनको देखकर मन में डर बैठ गया कि भैया जो तुम करने आए हो आज कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं, 500 के सामने तुम 5 क्या करोगे। अब जब सभा प्रारंभ हुई तो इन तीनों महानुभावों में से किसी ने कहा, बोले साहब हम पहले हम बोलेंगे, माता ने हम बोलने आए हैं पहले हम बोलेंगे, नहीं भाई साहब हम बोलेंगे। हमने कहा जो जो था वो भी सारा बराबर हुआ, ये पहले बोलेंगे तो तुम्हारे बोलने के लिए कहीं कुछ बचने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उस दिन को याद करके लगता है कि समाज के प्रति, भगवान के प्रति क्या भावना होती है, क्या होनी चाहिए। उस रोज जब वो बोलने खड़े हुए तो बोले साहब स्वदेश भूषण जी आए हैं, ये साहब आए हैं, ये साहब आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। हमने कहा स्वागत हुआ और सब कुछ बराबर हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला, बोले भाई साहब ये कल हमारे पास आए थे, आज समाज यहाँ पर शादी बैठी है और हमें बड़ी खुशी है इस बात की घोषणा करते हुए कि समाज का बच्चा बच्चा जैन समाज दिल्ली के जुलूस में शामिल होगा और यहाँ जो प्रोग्राम बनाने का निश्चय किया है उसके बारे में कुछ सोचते हैं। मैंने कहा भाई जिन्हों की बैठे उनको याद होगा, मैंने कहा देखिए ऐसा है, सबसे सुंदर होगा पूर्वी दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली में महावीर जयंती से पहले दिन जो भी रविवार पड़े उस रोज आप शोभा यात्रा यहाँ निकालिए और सारे मोर्चा एक जो है प्रचार होगा, प्रसार होगा। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि समाज ने इस बात को स्वीकार किया और वो कार्यक्रम जो एक दिन का प्रारंभ हुआ था आज के दिन धीरे धीरे बनकर वो पौधा वट वृक्ष के रूप में बढ़ता चला गया। इसके लिए जमुना पार की समाज सारी जो है मैं कहता हूँ उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना प्रकट करता हूँ और उनकी भावना जो समाज के प्रति है उसको उसकी सीख सबको लेनी चाहिए। आज महावीर जन कल्याणक है, गुरु वर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे मन में जो भावना आई वो मैंने बता दी, वो प्रकट कर दी। जहाँ तक भगवान महावीर के बारे में है या इस जन कल्याणक के बारे में हम गुरु वर्ग से सुनेंगे, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि हमें भगवान महावीर को याद हैं, हमें हमारे 24 भगवान को याद हैं, उनके दर्शन करने हम रोजाना जाते हैं, उनकी पूजा रोजाना करने जाते हैं, पर उनके दिए उपदेश, उनका दिया हुआ हम अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर
हम ये निर्णय करें कि जो कुछ उन्होंने शिक्षाएं हमें दी हैं, जो भी उन्होंने हमारे चरित्र निर्माण के लिए बताया है, उसमें से कुछ ना कुछ ग्रहण करने का जो है प्रण आज लें, जब भी भगवान महावीर जन्म कल्याणक मनाना, जिसे कहना चाहिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगल होगा। मैं अंत में जैन वर्तमान सेवक मंडल, कैलाश नगर और जमुना पार्क के सभी समाज के पदाधिकारियों का, उनके सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि इस अवसर पर मुझे याद करते हैं। और मैं बता देता हूँ कि आप याद करें या नहीं करें, जो चीज मेरी शुरू कराई हुई है उसमें सदैव मैं यहाँ उपस्थित होता रहूँगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी को भगवान महावीर जन कल्याण की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी का, आप सभी का जीवन बहुत ही शुभ हो, मंगलमयी हो और उन्नति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 40 साल पहले का उन्होंने दृश्य आपके सामने रखा और 40 साल से ये निरंतर शोभा यात्रा निरंतर प्रगति के ओर अक्सर होकर के ही सुचारू रूप से यहाँ आपके मध्य शोभा यात्रा के रूप में चली आ रही है, और आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार हमें हिम्मत दे, सहयोग दे, ताकि और सब समाजों के सहयोग से हम इस महावीर जयंती महोत्सव को और अधिक अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। गृहस्थ अवस्था के भाई यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा और अपने सचिव जैन जी, मैं सत्य भाई से और अपने सदस्यों से निवेदन करूँगा कि आए, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं अभिनंदन। जैन धर्म की, मित्रा की, निर्ग्रंथ गुरुओं की, निर्वाणी माता की, परम पूज्य मुनि श्री परम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री चरण सागर जी महाराज की, महाराज श्री के चरणों में नमस्तु करता हुआ आप सब भाइयों का इस मंगल अवसर पर कैलाश नगर जैन समाज की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण और गुरुवर के सानिध्य में हमें मनाने का अवसर मिल रहा है। हम धन्य हैं इस काम के लिए। भगवान महावीर ने संसार को जियो जीने का उपदेश दिया, किसी प्रकार हमारे से किसी को कष्ट ना हो और हम धर्म की साधना करते रहें, इसी भावना के साथ आप सबका धन्यवाद। जय जय। तो हम अपने जीवन में उतारें तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव है। हमारे बीच जिन बच्चों ने बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया, उनका अभिनंदन करें भाई विकास जी, और आ जाएं उनके बच्चे, आ जाएं और उनका अभिनंदन करें, और फिर हम पूज्य मणिश्री जी के उद्बोधन का यहाँ धर्म लाभ प्राप्त करें। मैं मंच पर आसीन सभी अपने अतिथियों से निवेदन करूँगा कि अगर पंक्तियों में यहाँ विराजमान होकर पूज्य मणिश्री जी का यहाँ मंगल प्रवचन का धर्म चले। और अब आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, वर्तमान सब मंडल की ओर से, यमुना पार महावीर जयंती महोत्सव समिति की ओर से मुनि चरणों ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, मंगलम भगवानीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवालदेव आदिन तीर्थों पर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्धमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार बंद विघटा रसाय नमः। इस संसार में जो संसारी जीव रह रहे हैं,
उनके अंदर और बाहर कई तरह के रोगों की उपलब्धियां होती हैं। बाहरी रोग देह से उत्पन्न रोग कहलाते हैं, शरीर में होने वाले रोग कहलाते हैं, और अंतरंग रोग वह कहलाते हैं जो हर पर्याय में हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। बाहरी रोगों के इलाज के लिए, उनको दूर करने के लिए हमारे पास में डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, किंतु अंतरंग रोगों की चिकित्सा करने के लिए हमारे पास कौन से ऐसे डॉक्टर हैं, कौन से ऐसे वैद्य हैं जिससे हम अपनी अंतरंग आत्मा में लगे हुए रोगों की चिकित्सा कर सकें। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए ये कहा गया कि जब कोई भी चीज़ हमारे स्वभाव में होती है तो वो हमारी अपनी चीज़ कहलाती है, और जब वो चीज़ हमारी स्वभाव में नहीं होती है, किसी पर पदार्थ के कारण से या किसी फॉरेन मैटर के कारण से वो हमारे भावों में आ जाती है, तो वो चीज़ अपनी नहीं कहलाती, वो चीज़ पराई कहलाती। इलाज करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए हमारे पास में वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं। भगवान की स्तुति करते हुए हमने प्रभु से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अंतरंग में भी कुछ रोग ऐसे हैं जो निरंतर हमारी आत्मा में बने रहते हैं, उन रोगों का इलाज करने के लिए वैद्य कहाँ से लाऊं, और उन रोगों की चिकित्सा करने के लिए कौन सा मैं रसायन ग्रहण करूं, कौन सी औषधि प्राप्त करूं। आप लोगों के लिए पहले समझ में यह आना चाहिए कि हमारे शरीर के रोगों को वो तो हम उपचार करके अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने अंतरंग आत्मा में लगे हुए रोगों को दूर करने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। सभी लोग यह तो महसूस करते हैं कि अगर हमारे शरीर में कहीं कोई पीड़ा हो जाती है, कोई व्याधि हो जाती है, तो हम कितना छटपटाते हैं, कितनी जल्दी हम करते हैं कि हमें किसी ना किसी रूप से चिकित्सा मिल जाए और हम अपनी बीमारी को दूर कर लें। लेकिन उस बीमारी को दूर करने के बावजूद भी हमारे शरीर के बावजूद भी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, शरीर के भीतर भी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना मन कहते हैं, अपना चित्त कहते हैं, अपनी आत्मा कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे रोग लगे रहते हैं जिन रोगों के कारण से हमें दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन हम उन रोगों की चिकित्सा की ओर कभी कोई ध्यान नहीं दे पाते। आखिर रोग कहते किसे हैं? रोग का मतलब क्या है कि जो चीज हमें परेशान करे, जो चीज हमें बार बार दुख दे, जो चीज हमें बार बार कष्ट दे, उसी को हम रोग के रूप में डिफाइन करते हैं। अगर आप अपने शरीर में कभी कोई ऐसी व्याधि जो कभी कभार उभर आती हो और कभी कभार आपको कष्ट देती हो, तो भी आप उसको देखेंगे तो उसे रोग के रूप में ही गिनेंगे। अगर आपसे कोई डॉक्टर कहे कि आपके गार्ड ब्लैडर में पथरी हो गई है, सुन रहे हैं ना आप, लेकिन उसका कोई दर्द नहीं अभी आपको हो रहा है, वो दर्द कभी कभार हो सकता है, कब होगा कहा नहीं जा सकता, एक महीने में, छह महीने में, एक वर्ष में, कभी भी हो सकता है, लेकिन होएगा। तो आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, यह सोच करके चुपचाप बैठ जाते हो जब होगा तब देखा जाएगा? क्यों महानुभाव, क्या सोचते हो? या ये सोचते हो कि नहीं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें इसकी चिकित्सा करा लेनी चाहिए, यही सोचते हो ना? जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका इलाज हमें करा लेना चाहिए, और हमें इसका इलाज जो भी मिले उसको हमें करना है। हमारे शरीर में कोई भी व्याधि उत्पन्न होती है,
हम कितने बेचैन होते हैं, हम कितने परेशान होते हैं, लेकिन जब हमारे मन में विकार पड़े रहते हैं, हमारी आत्मा में रोग पड़े रहते हैं, हम उनकी तरफ कभी नहीं देखते और उसके लिए हमारे अंदर कभी बेचैनी नहीं होती। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आयोजन होते हैं, महावीर जयंती जैसे अवसर भी आते हैं और सभी लोग यही कहते हैं, महावीर भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करो, किसी को भी मंच पर खड़ा कर दो यही बोलेगा, कोई भी वक्ता हो, सबको महावीर भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति से पूछो तुमने कितना किया, क्या कर रहे हो, ये नहीं मालूम, लेकिन करना चाहिए ये पता। कभी आपने विचार किया कि महावीर भगवान के उपदेशों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है क्यों? महावीर भगवान ने हमें कौन सी ऐसी चीज बताई जिसके माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सकता है? महावीर भगवान ने कौन से ऐसे उपदेश दिए जिनके आचरण से हमें कष्ट नहीं किंतु कष्टों से मुक्ति मिल सकती है? महावीर भगवान के कौन से ऐसे उपदेश हैं जिनका पालन करने से, जिनका अनुसरण करने से हमारे मन के विकार, हमारी आत्मा के रोग सभी दूर हो सकते हैं? और जब कोई चीज भीतर से दूर होती है, अपने जड़ मूल से वह अपनी सत्ता को नष्ट करती है, जब कोई चीज का इम्पैक्ट भीतर कहीं पड़ता है तो उसके जुड़ी हुई चीजें जो भी बाहर होती हैं उन बाहरी चीजों पर उसका प्रभाव अपने आप पड़ने लग जाता है। आप सभी लोग जब भी कभी भगवान के बारे में सोचते हो तो यही सोचते हो कि भगवान ने बस इतना ही उपदेश दिया है, जियो और जीने दो। मतलब क्या है, खाओ पियो मौज करो, खुद भी जियो और जो दूसरा जी रहा है जैसे भी खा पी करके मौज कर रहा है उसको भी जीने दो, यही मतलब है ना? आप लोग इतने दूर बैठे हैं कुछ बताएंगे ना? जैसे आप लोग अभी कूलर की हवा में बैठे हो, अच्छे बढ़िया कुर्सी में बैठे हो, जियो और जो भी जहां कैसे भी जी रहा हो उसको भी जीने दो, बस यही तो भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया। खुद भी आराम से रहो, दूसरे को भी आराम से रहने दो, खुद भी अच्छा खाओ पियो मस्त रहो और दूसरों को भी खाने पीने दो मस्त रहने दो, जियो और जीने दो। ये भगवान महावीर स्वामी का उपदेश यहाँ पर आकर के समझ गया। अब तो कोई भी व्यक्ति बात करता है जियो और जीने दो की तो उसके मुंह से भी बात सुनकर के यही गंध हमारे पास में आती, कह रहा है कि बस मस्त रहो और मस्त रहने दो सबको, जो जिस हाल में है उसको उसी हाल में रहने दो, हमारा हाल कभी भी बेहाल नहीं होना चाहिए, हमें तो केवल अपनी चिंता करनी चाहिए, जियो और जीने दो। आपको सोचना है कि महावीर भगवान के उपदेशों को आप किस रूप में ग्रहण कर रहे हो, महावीर भगवान की शिक्षा को आप किस रूप में मान रहे हो और किस रूप में महावीर भगवान की शिक्षा को आप दूसरों तक पहुंचा पा रहे हो। भगवान महावीर स्वामी ने अगर हमें कोई चीज बताई है तो वह ऐसी चीज है जो भीतर से बाहर तक आती हुई पूरे जगत के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी ने हमें जो भी कुछ उपदेश दिया, जो भी हमें आचरण की पद्धति बताई और जो भी उपदेशों का सार है, वो सार हमारे अंदर से प्रारंभ होता है, हमारे जीवन सुधार से प्रारंभ होता है, हमारे आत्मा के संस्कारों के निष्कासन से प्रारंभ होता है और वही सुधार चलते चलते हमारे मन के चित्त के सुधार के रूप में सामने आता है और वही सुधार जब हमारे शरीर में परिलक्षित होता है तो उसके बाद में वही सुधार हमें अपनी समाज में दिखाई देता है और वही सुधार फिर बाद में हमें अपने देश के अंदर दिखाई देता है। आपको कभी भी यह महसूस होता है कि भगवान महावीर स्वामी ने हमें कोई भीतर से बाहर तक की सुधार की कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया बताई है? सुन रहा था मैं, 40 वर्ष हुए, 41 वर्ष हुए लगातार महावीर जयंती मनाई जाती है, किसी के कान तक या किसी के दिमाग तक कभी ये बात पहुंची कि भगवान महावीर स्वामी ने हमें एक संपूर्ण जीवन पद्धति जीने की बताई है? केवल इतना ही नहीं कहा कि जियो और जीने दो, तुम भी आराम से रहो, दूसरे को भी आराम से रहने दो। हमें भगवान महावीर स्वामी ने भीतर से
जीने की कला सिखाई, भीतर से हमें स्वस्थ होने की कला सिखाई। हमारी आत्मा के रोग जो हमें हर जन्म में परेशान करते हैं, उन रोगों को दूर करके अपने चित्त को निर्विकार बनाने की कला सिखाई, और उस चित्त के निर्विकार होने पर शरीर कभी विकार रहित अपने आप हो ही जाएगा, इस प्रकार की कला सिखाई। और उसके बाद में जब हमारा दिमाग, दिल, चित्त, मन और उसके साथ साथ जब हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, तब हमारे अंदर से कोई बात निकलेगी तो वो दूसरों के पास तक पहुंचेगी, तो उसके अंदर भी एक स्वस्थता पैदा करेगी। ऐसी एक संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया हमें बताई, लेकिन हम केवल अपने जीवन को बाहरी बाहरी रूप में ही देखते हैं और बाहरी रूप से ही उसको सुधारने की चेष्टा में लगे रहते हैं। अगर हमको कभी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, कोई भी बुखार आ जाता है, तो हम कितने तड़प तड़प करके उस अपने शरीर को, कितने डॉक्टरों के पास भाग भाग करके हम अपने उस शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जैन व्यक्ति या कोई भी महावीर भगवान के उपदेशों को जानने वाला या समझने वाला कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो अपनी आत्मा के रोगों को दूर करने के लिए महावीर जयंती मनाने के लिए उपस्थित होता हो। भगवान ने हमें भीतर से निरोग बनने का उपदेश दिया, भीतर से स्वस्थ रहने का उपदेश दिया। इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए हमने लिखा कि रागादि रोग हरणाय नकोत्र वैद्य। हे भगवान, यहाँ जितने भी वैद्य दिखाई दे रहे हैं वो सब दुनिया के रोग तो सब शरीर के हर लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो कषायें हैं, मिथ्या बुद्धि है, राग द्वेष ईर्ष्या आदि के जो परिणाम हैं, क्रोध मान माया आदि लालच के जो भाव हैं, इनको जीतने के लिए कोई वैद्य दिखाई नहीं देता जो ये बता सके कि इनको कैसे जीता जाता है और इनको कैसे अपने से दूर किया जाता है। अब तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, सब लोग धीरे धीरे बड़े अभ्यस्त हो गए हैं। महावीर जयंती आएगी, जुलूस निकलेगा, जुलूस में हम शामिल होंगे, जगह जगह हमको खाने पीने को मिलेगा, जब मंच पर आएंगे तब हमारा सम्मान होगा, गिफ्ट भेंट की जाएगी, अच्छा हमारे लिए स्वागत के लिए शब्द बोले जाएंगे, और फिर हम यहाँ पर जो आयोजन होगा उसके पश्चात अच्छे भोजन की व्यवस्था होगी, और उस भोजन को खा करके हम बड़े आराम से अपने घर पर जाएंगे और बोलेंगे महावीर भगवान का उपदेश जियो और जीने दो। सुन रहे हो आप लोग, ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल स्टैचू बैठे होते हैं। कुछ इसके अलावा भी कभी कुछ किया कि नहीं किया? इसके अलावा भी कोई दिमाग में कोई दूसरी बात आई कि नहीं आई? इसके अलावा भी महावीर जयंती का कोई उद्देश्य है कि नहीं है कि इतना ही रह गया? जिसको बोलने को मिल जाता है वो अपना बोल करके बड़ी जल्दी प्रस्थान कर जाता, बोला हमें दूसरे को सुनना ही ना पड़े। समझ आ रहा है? खास तौर से बड़े लोगों की, नेताओं की ये आदत बन चुकी होती है, और जिनके लिए इस तरीके की भावना आ जाती है तो उन्हें केवल एक फॉर्मेलिटी करना आता है कि हमें महावीर जयंती को बस इसी फॉर्मेलिटी के साथ में पूरा करना है, और कर रहे हैं, और उसी के तहत शायद इस बार की भी फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। परसों तिहाड़ जेल का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, मंडोली जेल, वहां पे गया था, और वहां पहुंचने के बाद में मैंने बहुत सारे कैदियों से एक बहुत ही करीबी के साथ में भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, उनकी भावनाओं को समझा, उनके मन की बात को जानने की कोशिश की। एक जेल में पहुंचने के बाद में दूसरी जेल, दूसरे के बाद में तीसरी जेल, ऐसे करके मैंने चार जेलों को एक साथ पूरा किया, और लगभग लगभग 1000 कैदियों को मैंने वहां पर एड्रेस किया, समझने की और समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ किस कारण से आए और उन्हें किस कारण से यहाँ से मुक्ति मिल सकती है। एक जगह मैंने प्रश्न किया उन कैदियों से कि आप लोग वास्तव में भीतर से क्या इच्छा करते हो, आप क्या चाहते हो? सुन रहे हैं आप लोग? उन कैदियों से प्रश्न किया कि आप लोगों की इच्छा क्या है, तो उनमें से अधिकतर कैदियों का क्या, सभी कैदियों का यह कहना था कि मुझे यहां से रिहाई चाहिए। रिहाई क्या चाहिए? मैं यहां से मुक्त होना चाहता हूं।
लेकिन वहीं पर एक जेलर बैठा था उसी जेल का, वो कहता है कि मैं भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। तो मैंने कहा भाई आप भी अपनी भावना व्यक्त करो। तो वो कहता है मैं अरिहंत बनना चाहता हूं, मैं अरिहंत बनना चाहता हूं। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ कि ये जेलर कहीं जैन तो नहीं। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे पता था कि नहीं ये जैन नहीं है, वो राजेंद्र सिंह उसका नाम है। मैंने उससे फिर आगे पूछा क्या तुम जानते हो अरिहंत का मतलब क्या होता है? तो उसने बताया अरि माने हमारे शत्रु और हंत माने उनको हनन करने वाला, नष्ट करने वाला। जो हमारे शत्रुओं को नष्ट करे और हमें कहीं पर भी किसी के सामने शत्रु के रूप में रहने ना दे, हमारे अंदर कभी भी शत्रुता का भाव ही आने ना दे, हम ऐसे अरिहंतों को ही प्रणाम करते हैं और हम भी ऐसे अरिहंत बनना चाहते हैं, ये उसका कहना था। समझ में आ रहा? बाद में जब उसने उपदेश दिया, उसने श्रवण संस्कृति के नाम से वो उपदेश प्रारंभ किया और कहा उसने कि महावीर भगवान ने जिस श्रवण संस्कृति के माध्यम से इस संस्कृति को आगे बढ़ाया, आज उसी के जीते जागते रूप हमारी इस जेल में आकर के मुनि महाराज विराजमान हैं, जो इस श्रवण संस्कृति की पहचान है। कौन जानता वहां बंदी की श्रवण संस्कृति क्या होती है, लेकिन वो जेल जेल का वो है मुख्य अधिकारी, वो इस बात को कह रहा है, जान रहा है। तब समझ में आता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हर तरीके से पढ़ता है, हर तरीके से चीजों को जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन आज का जैन पढ़ने लिखने के नाम पर MBA, MD, MBBS, इंजीनियरिंग, CA, CS सब कुछ करेगा, लेकिन जैन संस्कृति को जानने की कभी कोई कोशिश नहीं करेगा। भारत के इतिहास में जैनों का क्या योगदान है, कितना जैनों का गौरवशाली इतिहास रहा है, इस इतिहास को आज कोई भी जैन व्यक्ति नहीं जानता। अगर किसी भी आज के जैन बेटे से पूछ लो या यहीं के इन प्रधानों से और यहाँ के मुख्य अतिथियों से पूछ लो कि श्रवण संस्कृति का मतलब क्या होता है, तो ये लोग भी ना बता पाएंगे। श्रवण संस्कृति भी कोई संस्कृति होती है? क्या संस्कृति है, किसका नाम श्रवण है, कौन सी वह संस्कृति है, भगवान महावीर स्वामी ने हमें कौन सी संस्कृति प्रदान की, हमें कुछ भी नहीं मालूम सिवाय इस एक नारे के जियो और जीने को। और यहीं से महावीर जयंती शुरू होती है और यहीं पर निपट जाती है। किसी को संस्कृति के प्रति जो भगवान महावीर स्वामी ने आगे प्रवाहित किया, उस संस्कृति के प्रति न कोई सम्मान का भाव है, न कोई आदर का भाव है, न उसकी कोई जानकारी है कि वो कौन सी चीज है जो भगवान महावीर स्वामी ने आगे बढ़ाई। तीर्थंकर ऋषभदेव से जो चलती हुई चीज आई, उसे भगवान महावीर स्वामी ने और आगे प्रोसीडिंग के रूप में लिया और उसकी जब उन्होंने आगे बढ़ोतरी की तो वो कौन सी चीज थी, जब आप इतिहास पढ़ोगे तब आपके दिमाग में चीजें आएंगी। और जब दूसरे लोग भी इस चीज को जानते हैं और जैन लोग इस चीज से जब अपरिचित होते हुए दिखाई देते हैं तो मन में एक बहुत पीड़ा सी उत्पन्न होती है कि आखिर ये जैन लोग कब सुधरेंगे, जिन्हें कभी भी कुछ भी अपने धर्म की ABCD नहीं मालूम, आज वो धर्म के बड़े बड़े अधिकारी बनकर के सामने बैठते हैं, बड़े बड़े स्वागत अध्यक्ष के रूप में सामने आते हैं और बड़े बड़े स्वागत करते हैं और करवाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता है कि धर्म कहां से शुरू होता है और धर्म किस रूप में किया जाता है। आप लोग सोचोगे कि महाराज हम लोगों के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बोलना इसलिए पड़ता है कि जब तक आप लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके किसी भी प्रकार की कोई भी जो एक्टिविटी करोगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज महावीर स्वामी का अगर जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं, जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में उसे मनाने जा रहे हैं, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति का जन्म नहीं था, ये कोई बर्थडे नहीं है आपके बच्चों की तरह जो आप मनाने जा रहे हैं कि आप आओगे यहां पर खाओगे पियोगे और चले जाओगे जैसे दूसरों के बर्थडे मनाने में करते हो। ये जन्म जयंती नहीं है, जन्म कल्याणक है और कल्याणक ऐसी आत्माओं का मनाया जाता है जिनका जन्म आखिरी हो, इसके बाद में उन्हें इस दुनिया में कभी जन्म लेना ही ना पड़े, उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। लेकिन हमारे मन में कोई नॉलेज नहीं किसी के प्रति,
जैसे सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है, ऐसे ही हम सब व्यक्तियों का जन्म मानते हैं और भगवान महावीर स्वामी को भी उन्हीं कोटि में रख देते हैं, उसी कैटेगरी में रख देते हैं जिस कैटेगरी में हम अन्य दार्शनिकों को या अन्य महापुरुषों को लेकर के चलते हैं। इसलिए हमारे मन में कोई ज्यादा बहुमान का भाव नहीं आता कि हम भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती या जन्म कल्याणक के रूप में हमें उन मनाने के लिए किस तरह के बहुमान के भाव करने चाहिए। आपके मन में कभी ये भाव नहीं आ सकता कि अगर हम आपसे पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप कह सको कि हम अरिहंत बनना चाहते हैं। आज तक मैंने कभी किसी जैन के मुंह से नहीं सुना, जो मैं परसों के दिन जेल में सुनकर गया। मुझे लगा कि वास्तव में अगर ये संस्कृति की पहचान है तो दूसरे लोगों को है, जैन लोगों को कुछ भी नहीं। जैन लोगों के लिए अगर इस दिन कुछ करने लायक होता है तो सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं, जो उनके मुख्य मुख्य ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण से वो पहचाने जाते हैं और जैनी नहीं नॉन जैन व्यक्ति भी उनको इसी रूप में जानते हैं, इसी रूप में पहचानते हैं, उनके उस सिद्धांतों को, उनके उन उपदेशों को हमें छोटी छोटी बुकलेट्स बना करके अजैनों के बीच तक पहुंचाना चाहिए। और आज के दिन हर व्यक्ति के अजैन व्यक्तियों के घर प्रधान और नौ समाजों के मंत्रियों का सम्मान करते करते शाम हो जाएगी। समझ आ रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, शायद परसों के दिन ही होगा वो सब कुछ, और भी देखूंगा। सोचने की बात यह है कि हमें भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को कहां तक पहुंचाना चाहिए था, हमारा कुछ योगदान दूसरों के पास तक पहुंचने का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बस हमने इतना ही सोच के बैठे हैं जियो और जीने दो, भोजन की व्यवस्था है, आओ यहाँ पर कूलर एसी लगे हुए हैं, खाओ पियो और जाओ। सुन रहे हो? बुरा तो नहीं मान रहे हो? आप लोग कहोगे महाराज 40-41 साल में किसी ने इतनी डांट नहीं लगाई जो आप लगाए जा रहे हो आज पहली दिन से। सुन रहा? देखो मैं तो खाली स्पष्ट बात कहने वाला हूं, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं आप क्या करते हो, लेकिन इससे जरूर प्रयोजन रखता हूं कि आप क्या कर सकते हो। आपको जब तक विचार नहीं दिया जाएगा, जब तक आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आप कुछ नया कार्य कैसे कर सको। नए विचारों के साथ में जब तक हम कुछ नया भाव नहीं लाएंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ नई क्रांति आने वाली नहीं। हमें सोचना चाहिए कि आज भी अजैन लोगों को पता नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी के कौन से ऐसे उपदेश हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपका ऐसा कर्तव्य नहीं होता कि हम एक दो या चार पन्ने की कोई ऐसी लिस्ट बनाएं और उसमें ऐसी 10 हेडिंग बनाएं और उनमें हम चार चार लाइन के कोई ऐसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रखें जिसके माध्यम से हम उस चीज को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें और ये बताने की कोशिश करें कि ये भगवान महावीर स्वामी के उपदेश हैं जिनको हम अगर आज भी फॉलो करें तो हमारे लिए बड़ा सुख और बड़ा सुकून मिल सकता है। दूसरे लोग इस चीज को जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले फिल्म जगत के किसी एक्टर ने इस बात को अपनी बर्थडे पर कहा शायद कि मुझे सब धर्मों में कौन सा धर्म अच्छा लगता है, तो वो इस्लाम है, धर्म को मानने वाला खान है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैंने जहां तक पढ़ा है और जहां तक सर्च किया है मुझे जैन धर्म के सिद्धांत बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात जब तक दूसरों के पास तक नहीं पहुंचेगी, ये ज्ञान की बातें जब तक दूसरों के पास तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक आपका ये महावीर जयंती का मनाना क्या सार्थक होगा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। जब तक हम दूसरे लोगों के पास तक महावीर भगवान के उपदेश नहीं पहुंचा पाए, तब तक हमारी महावीर जयंती कभी सार्थक नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूं। और मेरा ऐसा मानना है जैनों को तो कभी ये उपदेश बताने ही नहीं चाहिए क्योंकि जैनों की समझ में नहीं आने वाले हैं, लेकिन जो जैन नहीं है उनको अगर आप समझाओगे तो वो बहुत श्रद्धा के भाव से समझते हैं और बड़े ढंग से उसको स्वीकार करते हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं। ये कड़वा सच आपको बता रहा हूं। जब उस खान ने, जो एक्टर है, उसने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के हमें ये तीन उपदेश, जैन धर्म की ये तीन बात हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। पहली बात तो ये कि किसी की हिंसा नहीं करो, किसी का दिल मत दुखाओ। दूसरी बात ये
कि अपने पास आवश्यकता से ज्यादा वस्तुएं मत रखो। और तीसरी पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि जो अनेकांत का सिद्धांत है कि हम सबको समभाव की दृष्टि से देखें, सबका आदर करें और सबके पॉइंट ऑफ व्यू को हम रेस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट करें, ये जो चीज है ये हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती, ये हमें केवल जैन सिद्धांत में देखने को मिलती है, जिसे अनेकांत का सिद्धांत कहा जाता है। आप लोगों के लिए शायद इन सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल बस जियो और जीने दो के नारे के अलावा और कुछ आता जाता नहीं है, हमें ऐसा लगता है। ये सिद्धांत हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाने चाहिए, पढ़ाने चाहिए, दूसरे लोगों तक हमें बातें पहुंचाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, और उसी के माध्यम से जब ये सिद्धांत दूसरों के पास तक पहुंचेंगे तब लोगों को लगेगा कि भगवान महावीर स्वामी ने केवल हमें ऊपरी ऊपरी जीवन जीना नहीं सिखाया, हमें भीतर से कुछ अच्छा आदमी बनना सिखाया, हमें भीतर से कुछ जीने की कला सिखाई, और जीने की कला नहीं अंततः हमें मरने की कला तक भी सिखाने वाला कोई धर्म है तो वह केवल एकमात्र जैन धर्म है। इन सब चीजों को समझने के बाद में ही हमें समझ में आ सकता है कि संपूर्ण जीवन पद्धति को कैसे जिया जा सकता है, और वो संपूर्ण जीवन पद्धति भगवान महावीर स्वामी की जो डिपेंड है वो खाने पीने तक ही सीमित नहीं है कि ये मत खाना, ये नहीं खा, ये खा लेना, दिन में नहीं खाना कि रात में नहीं खाना कि एक टाइम खाना, इतना ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने अपना जीवन पूरा ध्यान और योग के साथ जिया है। 12 वर्ष की तपस्या में उन्होंने कुछ नहीं किया केवल ध्यान और योग के अलावा, क्या ध्यान करते रहे, क्या योग करते रहे, किसको देखते रहे, ये सोचने की बात। और इस तरह की जब उनकी साधना देखने के बावजूद भी आज हम केवल उन्हीं की मूर्तियां बना करके उन्हीं के ऊपर इस बात से लड़ रहे हैं कि हम इनको पानी से नहलाएं, कि इस रंग से नहलाएं, कि उस रंग से नहलाएं, तो हम समझते हैं इससे बड़ी अज्ञानता इस जैन समाज की और कुछ हो नहीं सकती। जिनका कोई लेना देना जैन धर्म से नहीं है उन चीजों से आज हम लड़ रहे हैं, और जो वास्तव में भगवान महावीर स्वामी ने किया उसकी तरफ हमारा आज तक कोई ध्यान नहीं है और अभी तक भी कोई ध्यान नहीं। क्या किया भगवान महावीर स्वामी ने, कैसे अपने आप को केवल ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित किया, कैसे अपनी उन्होंने आत्म साधना की, और उस आत्म साधना में कैसे उन्होंने चित्त को मन को एकाग्र किया, उन्होंने अपने जीवन में 12 वर्षों में क्या अधिक रूप में किया जिसके माध्यम से उन्होंने अपने अंदर आत्म ज्योति प्राप्त की, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान केवल भगवान की प्रतिमा बिठा करके उनके ऊपर बस क्या ढोला जाए इसकी लड़ाई में है और किसी चीज में अपना ध्यान नहीं। एक कहता है ये डालो, एक कहता है ये डालो, एक कहता है इससे करो, एक कहता है उससे करो, बस इसी लड़ाई में समाज पड़ी हुई है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या उपदेश दिया, इससे किसी को कोई प्रयोजन अब दिखाई दे नहीं दे रहा है। एक सोचने की बात है, आपके लिए संपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने भीतर से जब तक विकारों से मुक्त होने की अवस्था नहीं आएगी, आपके चित्त में निर्विकारता नहीं आएगी, आपका चित्त अपनी आत्मा में नहीं लगेगा, तब तक आपकी महावीर जयंती मनाना कभी सार्थक नहीं होगा, और आप कभी नहीं समझ पाओगे कि वर्धमान महावीर भगवान किस कोटि के उच्च आत्माएं थी, किस कोटि के वह महापुरुष थे जिन्होंने अपने शरीर के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी आत्मा के लिए किया, लेकिन आज हम देखें अपनी आत्मा के लिए तो कुछ करते ही नहीं है, जो कुछ भी करते हैं अपने शरीर के लिए ही करते हैं। शरीर के रोगों को ही हमें दूर करना है, आत्मा के रोगों को दूर करने के लिए किसी की कोई भावना नहीं होती। अपनी आत्मा के राग द्वेष ईर्ष्या लालच मान इन भावों को दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति का कोई प्रयास नहीं होता, बस शरीर में कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई भी कुछ भी बीमारी लगे डॉक्टर के पास चले जाओ, और डॉक्टर ने अगर एडमिट कर लिया है तो हमें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर अब हमें बिल्कुल ठीक करके बाहर निकालेगा। समझ आ रहा है आपको, डॉक्टर के ऊपर इतना विश्वास है। और अगर आपसे कहा जाए कि उसी डॉक्टर के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसा भी भाव करो, ऐसा भी कुछ क्रिया करो, ऐसा भी कुछ मंत्र का ध्यान करो जिसके माध्यम से आपके रोग ठीक हो सकते हैं, तो आप कहोगे महाराज इसकी क्या गारंटी है। किसी डॉक्टर से आप नहीं कहोगे कि किसकी क्या गारंटी है कि मेरा पेशेंट अगर आईसीयू भर्ती हुआ है तो वो बिल्कुल सेफ होकर के बाहर निकलेगा, बिल्कुल क्योर होकर के बाहर निकलेगा। कभी आपने किसी डॉक्टर से क्वेश्चन किया,
और जितने भी डॉक्टर पेशेंट को लेते हैं वो सब बराबर ठीक कर देते हैं, किसी की भी कभी डेथ नहीं होती, किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, किसी भी पेशेंट का कभी भी कुछ भी और ज्यादा गिरावट नहीं आती, उसके स्वास्थ्य में बिल्कुल ठीक होकर के निकलता है हर डॉक्टर के हाथ से। बोलो तो कुछ तो बताओ, आप लोग डॉक्टरों की शरण में रहते हो, इसलिए पूछ रहा हूं, आप लोग डॉक्टरों की शरण में रहते हो और हम अरिहंतों और सिद्धों की शरण में रहते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किसकी शरण में चलना है और किसकी शरण में आपको जाना है। आपको जब भी रोग होगा तो आप कहोगे डॉक्टर शरणम पपज्जामि, मुझे डॉक्टर की शरण में ले चलो, समझ आ रहा है। और जब भी कभी किसी भी जो भगवान महावीर स्वामी को समझ चुका है अगर उसको रोग होगा तो वो कहेगा मुझे अरिहंते शरणम पपज्जामि, सिद्ध शरणम पपज्जामि, अप्पा शरणम पपज्जामि, मुझे अपनी आत्मा की शरण में ले चलो। इसीलिए तो जो भगवान महावीर स्वामी को एक बार जान लेता है वो अपने अंतिम समय में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो अपने उन डॉक्टरों के पास जाता है जो आत्मा की चिकित्सा करना चाहते हैं। इसलिए कई व्रत ऐसे साधुओं के पास अपना अंतिम जीवन गुजारने के लिए पहुंच जाते हैं जिन्हें मालूम है कि अंतिम चिकित्सा हमारी इनसे अच्छी और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको अभी भी यह विश्वास नहीं होता कि हमारी चिकित्सा क्या अरिहंतों की शरण में जाने से हो सकती है, क्या नमो अरिहंताणम पढ़ने से हो सकती है, या ओम और अरहम के जाप और ध्यान से हो सकती है, ये अभी भी आपके कोई विश्वास में नहीं है। आपके शरीर में जब भी व्याधि होगी आपको डॉक्टर पर विश्वास होगा, डॉक्टर आपको अपने अंदर एडमिट भी कर ले, अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर ले, सब तरीके के डायग्नोस करा ले और उसके बावजूद भी वो आपकी हालत बदतर से बदतर कर दे तो भी आप उस पर कभी क्लेम नहीं करोगे। लेकिन अगर वर्धमान महावीर भगवान या कोई जैन संत यदि आपसे कहे कि आपके ये रोग तो चुटकियों में ठीक हो जाएंगे अगर आप नमोकार का ध्यान करो, ओम और अरहम का ध्यान करो, तो आप कहोगे कि महाराज इसका क्या एविडेंस है, इसका क्या प्रमाण है। कभी आप डॉक्टर से प्रमाण मांगने नहीं जाते। लेकिन अगर आपके लिए धर्म पर विश्वास नहीं होता, इन धर्म की शक्तियों पर विश्वास नहीं होता, तो हम कैसे कहें कि आपको महावीर जयंती के लिए कुछ उत्साह है या आपको महावीर भगवान के बारे में कुछ मालूम है या महावीर जयंती आप बड़े कुछ नए ढंग से मना सकते हो। सुन रहे हो आप लोग कि नहीं सुन रहे हो? आप लोग सोच रहे हो कि महाराज टाइम बहुत हो रहा है। अब आपसे अंतिम इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको अपनी चिकित्सा भीतर से करना है, अपने आप को डॉक्टरों की शरण में नहीं पहुंचाना है, और अगर डॉक्टर अपनी शरण में ले भी ले तो वहां से निकलने के लिए छटपटाहट अपने अंदर लाना है, तो आपको वह काम करना होगा जो कल सुबह यहां पर होने जा रहा है, जिसका नाम है अरहम ध्यान योग। ये वो चीज है जिसमें महावीर भगवान के सब सिद्धांतों को समाहित करके वो ध्यान की पद्धति है, वो योग की पद्धति है जिसके माध्यम से आपके न केवल शारीरिक रोग दूर होते हैं बल्कि मानसिक रोग, चित्त के विकार और आत्मा में कर्मों की निद्रा, ये सब चीजें एक साथ होती हैं। इस विश्वास के साथ कि यह चीज हमें वर्धमान महावीर भगवान की जो श्रवण संस्कृति है उसके अनुसार प्राप्त हुई है, अगर आप इस विश्वास के साथ में वो कार्य करने बैठ जाते हैं तो आपके लिए जो लाभ होगा वो लाभ आपको दूसरे किसी काम से नहीं होगा। और हम समझते हैं इस बार की महावीर जयंती का सबसे आकर्षक और सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई कार्य है और कोई अनूठा कार्य आपके लिए है तो वह कल सुबह का कार्यक्रम है जिसमें आप आराम ध्यान योग अगर आप यहाँ बिल्कुल सही समय पर 6 बजे उपस्थित होंगे तो आपको 6 बजे यहाँ पर शुरू हुआ मिलेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जैनी लोग आओ, किसी को भी लेकर के आओ, किसी को कोई परहेज नहीं है, ना ओम से ना अरहम से ना नमोकार से। हर कोई व्यक्ति जानता है कि अगर हमारे लिए स्वास्थ्य मिल रहा है तो हमें नमो अरिहंताणम बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके सामने प्रश्न आ जाता है क्या ऐसा हो सकता है कि नमो अरिहंताणम के ध्यान से हमारी डायबिटीज कम हो जाए, हमारा मोटापा कम हो जाए? हाँ, मैं कह सकता हूं आपके लिए नमो अरिहंताणम के ध्यान से आपकी डायबिटीज कम होगी, आपका मोटापा कम होगा। ऐसे बहुत से लोग यहां बैठे हैं, आप संपर्क करना उनसे
पूछना उनसे कि कितना क्या क्या उनके साथ में घटित हुआ है और कितना अच्छा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग दिल्ली में भी इस अभ्यास के माध्यम से अपने रोगों से मुक्त हो चुके हैं, जिन रोगों के लिए डॉक्टर भी आश्चर्यजनक स्थिति में आकर के आश्चर्य करते हैं कि ये चीज हमारे लिए कभी भी दवाइयों से संभव नहीं थी, ये आपने किस चीज से कर ली, तो उनको के लिए कहने माता ये अरहम ध्यान योग से कर ली। हर चीज बाहर से ही चिकित्सा के द्वारा चिकित्सित नहीं होती है। अगर हम भीतर से अपनी चिकित्सा करने लगे तो बाहर का शरीर हमारी आत्मा से हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है, हमारी चिकित्सा हम स्वयं कर सकते हैं, इस बात की जानकारी आपको दी जाएगी कल। और इस बात को समझने के लिए आपके मन में विश्वास होना चाहिए और ये भावना होनी चाहिए कि ये कार्य का लाभ केवल हम जैन लोग न लें, अजैन लोगों को भी हम लेकर के आए। हम उन्हें अगर कोई और दूसरा उपदेश नहीं दे सकते हैं तो चलो अरहम ध्यान योग के माध्यम से ही हमें उनकी महावीर जयंती तक का उपदेश दे देना चाहिए और बता देना चाहिए यही हमारी महावीर जयंती का आगाज है। ये भावना आप लोगों की अगर दिखाई देगी तब हम समझेंगे कि आप कुछ नए करने के मूड में रहते हो, कुछ नए भाव में रहते हो, कोई नई विशुद्धि प्राप्त करना चाहते हो। नहीं तो मुझे जैन समाज में इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। खाओ पियो मस्त रहो जियो, अब तो मुझे नारा ही बेकार लगता है। इसकी क्वालिटी आप लोगों ने इतनी गिरा दी है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो, किस भावों से बोल रहे हो। आपको अब इस सिद्धांत पर आना होगा कि हम अपनी आत्मा को स्वस्थ करें, अपने मन को स्वस्थ बनाए, अपने तन को स्वस्थ बनाए, और इसलिए हम ध्यान योग के साथ में वह साधना प्रारंभ करें जो साधना का पथ हमें भगवान महावीर स्वामी ने बताया था। भगवान महावीर स्वामी ने साधना के अलावा अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। अगर आपको कभी भी ज्ञान मिले पुराणों से, किसी भी कथानकों से, तब आपको पता पड़ेगा कि उन्होंने 12 वर्ष में सिवाय आत्मा की साधना की और कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम देखें तो आत्मा की साधना के नाम पर जीरो है। किसी का भी नमोकार के अक्षरों में ध्यान नहीं लगता, किसी का भी महावीर भगवान के नाम लेने में भी ध्यान नहीं लगता, किसी का भी अपनी श्वास पर ध्यान नहीं जाता, किसी का भी अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं जाता, किसी भी चीज पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान केवल हु अल्लाह करने में है बस, और खाने पीने में है, इसके अलावा हमारा किसी पर कोई ध्यान नहीं। आप लोग नाराज तो नहीं हो रहे? वैसे हमें आपकी नाराजगी की चिंता है नहीं है, फिर भी मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ। हमें कोई चिंता नहीं है लेकिन फिर भी बीच बीच में पूछता रहता हूँ, इसलिए कि कम से कम आपको ये भाव आ जाए कि हमें कुछ अच्छा भाव करके कुछ नया सीखना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो वह जीवन की सार्थकता कैसे होगी? वो आत्मचिंतन से होती है, आत्मा के निकट रहने के भावों को सीखने से होती है, और वह हमारे शरीर और आत्मा के बीच में क्या क्या है उस चीज को समझने से होती है। वह चीज कल आपको समझाई जाएगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूं कि आप लोग एक नए भाव के साथ में जब अरहम ध्यान योग करेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि हम अगर कुछ नया इस महावीर जयंती पर किए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी अद्भुत चीज है। बाकी की चीजें तो सब सामान्य है, जो आज भी हो गई और परसों भी होगी, कल का दिन हमारे लिए है। आप अगर अपने लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो उसमें अच्छे ढंग से अपने भावों को सही समय पर समायोजित करके अगर यहाँ पहुंचेंगे तो आपके लिए लाभ मिलेगा। इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। एक छोटी सी बात भावना के रूप में, चार लाइनों के रूप में आपसे कह रहा हूं, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, एक प्रार्थना के रूप में हाथ जोड़कर, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे भाव क्षमा का हो, भाव मेरे
मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके यह पवित्र नहीं होंगे जब तक इसमें शास्त्र लाभ नहीं होगा, जब तक हम कुछ अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर सकते हैं। जैसा कल के विषय में महाराज श्री जी ने बताया, अगर 40 साल में कुछ पहली बार नया हो रहा है तो वो ये नया हो रहा है कि पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में एक अरहम योग का बहुत सुंदर कार्यक्रम जो प्रातः 6 बजे से इसी पंडाल में करीब करीब 500-700 हजार आदमियों के यहाँ पर उपस्थित होने की संभावना है, उनके दिखाया जाएगा कि किस प्रकार वह अपने अरहम योग के माध्यम से, हम अपने नमोकार मंत्र के माध्यम से, अरहंतों के माध्यम से अपने शरीर को, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को स्वस्थ लाभ दे करके किस प्रकार हमने उनके भगवान महावीर के उपदेशों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक अनूठा कार्यक्रम यहाँ आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी समय का ध्यान रखें, प्रातः 6 बजे यहाँ सभी आकर के उपस्थित हों। पूज्य महाराज श्री जी के सान्निध्य में ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से यहाँ आपके मध्य प्रस्तुत किया जाएगा। आज के गुरु भक्ति का कार्यक्रम शाम को मंदिर जी में संपन्न होगा, शाम को 6 बजे से, और रात्रि में चित्र कला प्रतियोगिता रात्रि 8 बजे से, और भजन नृत्य प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहीं इसी पंडाल में यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और कल प्रातः मैं पुनः आपको बता दूं, एक अनूठा कार्यक्रम अरहम योग स्वस्थ ध्यान का इस पंडाल में सभी आप सादर आमंत्रित हैं। और शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम भी इसी पंडाल में रखा गया है। ये सभी कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और आपका स्वागत है, अभिनंदन। और अभी जिनवानी स्तुति होगी, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के हम अपनी जिनवानी स्तुति करें। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो, हे जिन भारती तो है जपों दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन, देव भजो अरहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नोवा नव का महाराज की जय। जगुण श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज की। सभी कार्यक्रमों में आप सादर। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष।